Overview. Introduction. तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये है मेरे पास जॉय कंपनी का जेनेक्स नानो इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज है मेरे पास ये सुकम कंपनी का स्टर्डी इन्वर्टर और ये है SF सोनिक कंपनी की कार की बैटरी। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या कार की बैटरी से ईवी की बैटरी चार्ज होती है या नहीं, और अगर चार्ज होती है तो कितनी परसेंट या कितना वोल्ट चार्ज होती है, और चार्ज होने के बाद कितनी किलोमीटर की रेंज मिलती है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को और जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। तो सबसे पहले हम कार की बैटरी को इन्वर्टर से लगाकर ये देख लेते कि कार की बैटरी फुल्ली चार्ज है या नहीं। ये रेड कलर का वायर प्लस में लगेगा। और ये ब्लैक कलर का वायर माइनस में। और जैसे ही ये लगाया इन्वर्टर में करंट आ गया, ये अच्छे से लग गया है। तो अभी हम इन्वर्टर को एसी सप्लाई दे देते हैं और ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हो चार्जिंग का लाइट ब्लिंक कर रहा है और फैन भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी जब तक कार की बैटरी चार्ज होती है तब तक हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कार की बैटरी से ईवी की बैटरी कितना चार्ज होती है। तो अभी हमारे पास है एक कार की बैटरी और एक ईवी की बैटरी। तो अगर हम बात करें इन दोनों बैटरी की कैपेसिटी की, तो कार की बैटरी है 65Ah 12 वोल्ट की और ईवी की बैटरी है 24Ah 60 वोल्ट की। तो अभी हम इसके कैपेसिटी को इजीली मेजर करने के लिए इसको वैट आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है वैट आर इज इक्वल टू एम्पियर प्लस वोल्ट। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 780 वैट आर। तो अभी हम इसी फॉर्मूले से ईवी की बैटरी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर आता है 1440 वैट आर। तो अभी हमको ये तो पता चल गया है कि कार की बैटरी 780 वैट आर की है और ईवी की बैटरी 1440 वैट आर की। तो अभी हम ये देखते हैं कि कार की बैटरी से ईवी की बैटरी कितने परसेंट चार्ज होगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे कार की बैटरी डिवाइडेड बाय ईवी की बैटरी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर आता है 54%। मतलब कार की बैटरी से अगर हम ईवी की बैटरी को चार्ज करते हैं तो ईवी की बैटरी 54% चार्ज होगी। तो गाइस अभी कार की बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो चार्जिंग लाइट कंटिन्यू ऑन है और फैन भी बंद हो गया है। तो अभी हम इसका सॉकेट निकाल देते हैं। तो अभी इन्वर्टर ऑफ हो गया है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कार की बैटरी ईवी को चार्ज करती है या नहीं। तो हम ईवी को चार्ज करें इससे पहले हम ये देख लेते कि अभी ईवी की बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ईवी 58.1 वोल्ट चार्ज है। तो अभी सबसे पहले हम इसका चार्जर लेते हैं और इस चार्जर को पहले ईवी के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद चार्जर को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि ईवी का चार्जर डायरेक्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हो बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट है, इन्वर्टर चार्जर से, ये चार्जर ईवी से। इस बोर्ड को भी साइड में कर लेता हूं। तो अभी हम इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
अभी फर्स्ट लाइट ऑन हो गया है, मतलब इसमें सप्लाई आ गया है। और ये सेकंड लाइट भी ऑन हो गया है। और ये चार्जिंग, अरे ये क्या, इन्वर्टर पे तो ओवरलोड का लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब कार की बैटरी पे ज़्यादा लोड आ रहा है। और चार्जिंग भी स्टॉप हो गई है। और अगर हम थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि फिर से आउटपुट देना स्टार्ट करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो फिर से इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है और फिर से ओवरलोड का लाइट ब्लिंक होकर आउटपुट देना बंद हो गया है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, पर हम फिर से एक बार इन्वर्टर ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हो यही बैटरी पर इन्वर्टर की वायर लगी है और ये आउटपुट देना स्टार्ट हो गया है। और ये क्या, फिर से ओवरलोड हो गई है और चार्जिंग स्टॉप हो गई है। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इस एक्सपीरियंस से हमें एक बात समझ में आती है कि स्मॉल कार की बैटरी से कोई भी ईवी चार्ज नहीं होती है, पर अगर हम इसकी जगह बड़ी बैटरी लेते तो क्या ईवी चार्ज होगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ऑफ वीडियो। तो ऐसा था कुछ आज का वीडियो, स्मॉल कार की बैटरी से ईवी चार्ज होती है या नहीं मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही तुरंत आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछने तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर प्राइवेटली मैसेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।